और महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी सिलसिले में प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जो आर्थिक ढांचा आम आदमी का गड़बड़ा गया उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। आंदोलन का कारण है, इन्हीं मोदी जी ने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी और बीजेपी के लोगों एक जवाब दे दो, 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप गैस सिलेंडर और पेट्रोल लेकर और धरने प्रदर्शन आप करते थे, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, $130 प्रति बैरल 2014 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, लेकिन पेट्रोल डीजल ₹70 लीटर था। आज जब पेट्रोल डीजल ₹109 प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल जयपुर में, तब क्रूड ऑयल के दाम सिर्फ $63 प्रति बैरल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है, ऐसे में आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, आप देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हो, देश की जनता की पीठ में खंजर मार दिया, गैस सिलेंडर ₹300 से ₹850 पहुँचा दिया, पेट्रोल डीजल में आग लगा दी। एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ₹9 और ₹3 थी, आज वो ₹33 ₹34 पहुंचा दी, 5,23,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के नाम पर इकट्ठे कर लिए। और आप लगातार कोरोना में मौतें हो रही थी तो आप पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा रहे थे, देश जवाब मांग रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी जबरदस्त है, केंद्र सरकार फेल हो गई, राम मंदिर के चंदे में इन्होंने घोटाला कर दिया, ये घोटालों की सरकार है। कोरोना में ना ऑक्सीजन दे पाए, ना लोगों को आज तक वैक्सीन उपलब्ध करा पाए, 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी, वैक्सीन के पैसे मांग लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 35,000 करोड़ का हिसाब दो और लोगों में आक्रोश हो गया, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई, तब वैक्सीन फ्री करनी पड़ी, क्योंकि वैक्सीन के पैसे लीगली कानूनी तरीके से ले ही नहीं सकते। देश में वैक्सीन फ्री लगाना केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र को हम टैक्स देते हैं। तो केंद्र सरकार जो धोखा कर रही है देश के साथ, इसलिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई कम करके देश की जनता को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला। सर भाई यहाँ पे एक बहस छिड़ चुकी है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, हम कल मंत्री जी ने भी कहा था हम तो हमारा एक कैंसिल कर इस कानून को लेकर आ गए, इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था हम तो हमारे, तो क्या कुछ कहेंगे कल आपने भी? देखिए एक बात आप मानकर चलिए, 1975 में जो मेरी स्टडी है उसमें आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने पूरे देश में ये नारा दिया कि हम दो हमारे दो, और पूरे देश में अभियान चलाया, कानून बनाना चाहती थी उन्होंने, पूरे देश में जब अभियान चलाया तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही जनसंघ के लोग, RSS के लोगों ने पूरे देश में इंदिरा जी के खिलाफ मुहिम चलाई और ये कहा कि इंदिरा गांधी हमारे लिए दो बच्चों का कानून ला रही है, इसको लागू नहीं करने देंगे, और इतना बदनाम किया इंदिरा जी को उस वक्त, जबकि वो उस वक्त बन जाती पॉलिसी तो आज जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होती। उस वक्त कोई धर्म और जाति के नाम पर कोई बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने विरोध किया और विरोध करके नीति लागू नहीं करने दी। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है जनसंख्या नियंत्रण से। राजस्थान में UP से अच्छा कानून पहले से बना हुआ है, यहाँ यदि दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो RS ऑफिसर का प्रमोशन रुक जाता है, नौकरी में दिक्कत है, सुविधा में दिक्कत है, वो सब काम हमने कर रखे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस की सरकार गलती करे तो हमारा विरोध होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार गलती करे तो उसका भी विरोध।